प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपका BCCLE को रिजल्ट को लेकर। कई सारे लोग ये अपडेट जानना चाहते हैं कि BCCLE का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, BCCLE का रिजल्ट आने में मैं भी कुछ कह नहीं सकता कि हाँ आज ही आ जाएगा या कल ही आ जाएगा, बट एक एक्सपेक्टेड जो सीरीज चलते आ रहा है आपका एग्ज़ाम शेड्यूल जिस तरीके से लिया गया उसके अनुसार जो रिज़ल्ट दिया गया, आपको पता है कि 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था सबसे पहले ITI का 18 जून को, तो उसका रिज़ल्ट दिया गया 2 जुलाई को, है ना, 2 जुलाई को, यानी लगभग 2 सप्ताह बाद, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप मान कर चल सकते हो तो 2 दिन उधर, मतलब 15 दिन में आपका जो है रिज़ल्ट जारी किया गया। ओके, उसके बाद बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का एग्ज़ाम्स हुआ आपका 24 और 25 जून को, इसका रिजल्ट दिया गया 19 जुलाई यानी कल के दिन में, जो कि लगभग 20 दिन नहीं 20 और 5 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आया। कितने दिन बाद? 25 दिन बाद आपका जो है रिजल्ट आया। उसके बाद आपका एग्ज़ाम्स हुआ है BCCLE का 2 जुलाई को। कितने तारीख को? 2 जुलाई को। तो 25 दिन बाद वहाँ पे आया, यानी 10 दिन का इंटरवल है। तो यहाँ पे अगर 2 जुलाई को एग्ज़ाम लिया गया है तो अप्रॉक्सीमेटली आप मानकर चल सकते हैं कि जो BCCLE का जो रिज़ल्ट है वो आपका 25 दिन बाद यानी 27 से 5 अगस्त के बीच में, 27 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में आपका जो है रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। ये मैं एक एनालिसिस बता रहा हूँ जिस तरीके से आपका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक, हो सकता है कि पहले भी जारी किया जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि आपको लास्ट जुलाई तो चला ही जाएगा, है ना, जुलाई 27 के बाद ही आने की संभावनाएं हैं। कम से कम एक सप्ताह तो टाइम लगेगा ही रिज़ल्ट आने में। तो जो भी है, रिज़ल्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, डैट्स आई विल अप्रिसिएट कि आप जो है इतना देर इंतज़ार कर रहे हैं, बट इंतज़ार तो करना पड़ेगा ही, उसके अलावा आपके पास और कोई उपाय भी नहीं है कि कहीं और चले जाएं, कुछ और कर ले। और दूसरी रीज़न, अगर आपका रिज़ल्ट पहले आ भी जाता है फिर भी आपका एडमिशन तो होगा नहीं। अगर रिज़ल्ट आ भी जाता है 27 या 28 जुलाई को भी, तो एडमिशन होने में आपका सितंबर या अक्टूबर चला ही जाएगा, है ना, क्योंकि SBT तो एग्ज़ाम लिया नहीं है 6 सेमेस्टर का। तो जब SBT 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम ही नहीं लिया है तो कैसे एडमिशन होगा? रिजल्ट आएगा SBT का 6 सेमेस्टर का, तभी तो आपका एडमिशन होगा ना। कई सारे लोग होंगे, यहाँ पे लगभग 7 से 8 हज़ार लोग फॉर्म भरे हैं, जिसमें से अगर लगभग 4 हज़ार लोगों का रिजल्ट भी होता है तो उन 4 हज़ार लोगों में जो भी 3 हज़ार 2 हज़ार लोग एडमिशन करवाएंगे, उसमें से कम 1000 स्टूडेंट तो वैसे होंगे या 1500 स्टूडेंट वैसे होंगे जो बिहार के इंजीनियर पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़ रहे होंगे। तो ऑब्वियसली उनका 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा नहीं, तो आएगा नहीं तो एडमिशन कैसे होगा? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पोर्सन जो बिहार के BCCLE का एग्ज़ाम देते हैं वो बिहार के होते हैं। ठीक है, 400-500 स्टूडेंट वैसे होंगे जो ऑलरेडी 22, 21 या 20 में पास आउट होंगे, बट मैक्सिमम स्टूडेंट जो सेमेस्टर में इनरोलमेंट के साथ होते हैं वही लोग होते हैं। तो वो लोग अभी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, उन लोग का रिज़ल्ट आएगा, देन ही एडमिशन होगा। तो आपको इंतज़ार तो अभी लंबे टाइम करना ही पड़ेगा एडमिशन को लेकर। खैर, रिज़ल्ट आएगा तो एक उम्मीद आपका अंदर जग जाएगा कि नहीं, मेरा इतना रैंक आया है तो हमको ये कॉलेज मिल सकता है, मेरा इतना रैंक आया है तो हमको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ये आपको एक दिल आपका मान जाएगा कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, खाली हाथ मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन जिसका बहुत ज़्यादा रैंक आएगा, चलो बहुत ज़्यादा क्या, जिसका रैंक 700 या 800 से ज़्यादा जनरल रैंक रहेगा और उसका कोई कैटेगरी नहीं है और वो कह दे कि मुझे जो है सिविल ब्रांच लेना है, तो वो तो उम्मीद ही छोड़ देगा ना। लेकिन अभी वो कैसे उम्मीद छोड़ दे, अभी तो रिजल्ट आएगा तब तो उम्मीद छोड़ेगा ना कि हाँ इतना रैंक आएगा तो उम्मीद छोड़ेंगे। तो कई सारे लोगों का अलग अलग सवाल आते रहे हैं और आने वाले समय में और भी सवाल आएंगे, उन सभी का सवाल का जवाब मैं
आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन डियर आपसे एक विनती यही है कि कुछ लोग वैसे होते हैं, वीडियो में कुछ और का बना रहा हूं और कमेंट आप कुछ सी और चीज़ में कर रहे हैं। डियर आपसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे भी है कि आप लोगों को सही जानकारी दूं और सही टाइम पर दूं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि जब सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो जिस चीज़ का मैं वीडियोस बनाया हूं, प्लीज़ उसी वीडियोस में आप कमेंट करें तो मुझे खुशी होगा। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे मैंने वीडियोस बनाया BCCLE का, अब कमेंट कर रहा है एक स्टूडेंट कि UGSE में मेरा इतना रैंक है तो मुझे गया इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार जो UGMSE का जब मैं वीडियो बनाया हूँ तो उस पर आप कमेंट नहीं करोगे। UGMSE का आप जिद को, इससे होता क्या है कि आप जिस टाइटल के साथ जो मैंने वीडियोज़ बनाया है उसी टाइटल के रिलेटेड अगर आपने कमेंट किया तो मैं आसानी से आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। अब आप जैसे BCCLE का यहाँ पे बना रहा हूँ तो BCCLE का कोई कैंडिडेट कमेंट करेगा, रिजल्ट अगर मान लो कि आ जाता है, कहेगा कि मेरा इतना रैंक है, तो उसको आसानी से रिप्लाई दे दूंगा। अब कहेगा कि कोई का 2000 रैंक है BCCLE में कमेंट करेगा तो उसको भाई कैसे कॉलेज मिल जाएगा, सिविल नहीं मिलेगा। वो UGSE का है लेकिन वो कमेंट कर रहा है BCCLE वाला में, तो ऐसे नहीं ना चलेगा। तो जो पार्टिकुलर वीडियोज़ जो आपका है, जिस फील्ड से आपका रिलेटेड है, उस फील्ड से रिलेटेड वाले टॉपिक में आप कमेंट कीजिए तो ही आपको रिप्लाई अच्छे तरीके से मिलेगा। नहीं तो आप फिर वेट करते रहोगे कि रिप्लाई मिले रिप्लाई मिले, आपको रिप्लाई मिलेगा नहीं तो फिर आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो आप भी फ्रस्ट्रेट ना हो और मुझे भी दिक्कत ना हो आपके सवाल का जवाब देने में, इसलिए रिलेवेंट वीडियोज़ में आप जो है कमेंट करें ताकि आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। ओके।